Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is related to Tech Mahindra 2022 hiring, how to fill form step by step process. All point will be discussed in this video. So like when test and test detail, when exam, PIN and ID, credential. And this video is related to complete query as well as how you can fill the complete form. And this is the confirmation details like Tech Mahindra Limited off campus registration detail. So this is the second part video. In the upcoming videos, we will talk about the syllabus pattern and strategy. So one of the most important point, if you not applied in the Tech Mahindra, so just check this video. This video is very important. So when you just click on engineering MCA candidates form, so there are some of the important instructions that are very important. मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर उन्होंने एक चीज लिखी है. देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ. एक तो इसमें 6 month का क्राइटेरिया है, वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि कैंडिडेट्स मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इन्वाइटेड फॉर वर्चुअल एंड प्रोटोकॉल ऑनलाइन टेस्ट इन अबाउट 1 to 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन. So they just mentioned that some of the important points like related. So उन्होंने यहाँ पर ये mention करा है. इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका percentage academic score percentage में होना चाहिए. अगर CGPA में तो उसे आप मतलब जो है यहाँ पर change कर लीजिए. और हाँ, on successful registration, registration ID, registration pin send किया जाएगा आपकी mail ID पे with registered us. मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन आईडी और पिन आपको नोट करना है या आपको रिक्वायर होंगे, मतलब यहाँ पर टेस्ट के दौरान अगर आप रिसीव नहीं करते आईडी और पिन, तो ये इनकरेक्ट डिटेल्स की वजह से होगा. और कौन सी डिटेल्स रॉन्ग फॉर्मेट में होगी, जैसे कि इनकरेक्ट ईमेल आईडी, सीजीपीए, इंस्टीट ऑफ परसेंटेज स्कोर. चलिए फॉर्म को फिल करते हैं. ये रहा पूरा फॉर्म, अब हम आराम से इसे फिल कर लेते हैं. देखिए, ठीक है, सबसे पहले तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमें हमारा नेम सिलेक्ट करना है और फिर हमें हमारा सरनेम सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है. इसके बाद मार्शल स्टेटस, ठीक है, अरे कहाँ से मैरिड, जेंडर मेल सिलेक्ट कर लेते हैं. इसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना ओरिजिनल दीजिएगा, जिससे कि आपके पास सारे अपडेट्स हैं. अल्टरनेट नंबर, ठीक है, हम ये ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं. इसके बाद हम ये करते हैं करंट सिटी, इंदौर, होम टाउन सिटी इंदौर, ठीक है. और उसके बाद हमारा प्रेफर्ड ज्वाइनिंग लोकेशन क्या होना चाहिए, आप यहाँ से अपनी सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो. यार क्या है, इंडिया, ठीक है. आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर रखी है, साइंस ग्रेजुएशन. इंजीनियर साइंस ग्रेजुएशन का मतलब ये होता है कि जिसमें बहुत सारी अलग अलग डिग्रीज हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं बीएससी एंड बीसीए पर, इसमें तो उन्होंने यहाँ पर यही बताया, तो आपको इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना है. जैसे आपने बीए बीटेक करा, आप 22 बैच है, आपका कॉलेज नेम क्या है, ठीक है, आपने यहाँ पर कॉलेज नेम सिलेक्ट किया, ठीक है. उसके बाद आपने स्ट्रीम सिलेक्ट की, हमारा स्ट्रीम क्या है, क्या कंप्यूटर साइंस लिख देते हैं. एग्रीगेट परसेंटेज आपने लिख दी 80. उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करनी आपको, इंडिया सबसे टॉप पे. यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी, आपने यूनिवर्सिटी डाल दी आरजीबीवी. साइंस ग्रेजुएशन नहीं फिल करना है. उसके बाद क्लास ट्वेल्थ में गए, क्लास ट्वेल्थ में गए, ठीक है. पर से पासिंग ईयर कौन सा था, तो अगर हम क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो पासिंग ईयर 2018 होना चाहिए 22 के हिसाब से. एग्रीगेट परसेंटेज, ये कॉलेज नेम नहीं, वो स्कूल नेम होना चाहिए, गलती से कॉलेज नेम, हाँ हो सकता है कि डिप्लोमा के बाद, ठीक है ठीक है. तो यहाँ पर हम हमारा कॉलेज नेम डाल सकते हैं, मतलब स्कूल नेम डाल सकते हैं. आप अपना स्कूल नेम बता दीजिएगा, ठीक है. इसके बाद क्लास टेंथ की डिटेल्स डालनी है, क्लास टेंथ मतलब 2014, ठीक है, 2015 सिलेक्ट कर लीजिए आपके हिसाब से, जो आपका क्लास टेंथ का ईयर हो. उसके बाद स्कूल आप सिलेक्ट करिए, ठीक है, स्कूल आपको सिलेक्ट करना है. उसके बाद कैप्चा कोड आपका सिलेक्ट कीजिए 68PB69, ठीक, रजिस्टर पे करते हैं. प्लीज इंटर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, प्लीज सिलेक्ट टेस्ट लोकेशन. अच्छा, हमने अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं किया, 4157 02173, ठीक है, ये अल्टरनेट दे दिया. प्रीफर्ड ज्वाइनिंग लोकेशन इंदौर, ठीक है,
इसके बाद हमने रजिस्टर करा इनवैलिड कैप्चा कोड, ठीक है, इनवैलिड कैप्चा कोड है तो 68BB69RN, शायद RN है, ठीक है, मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है RN हो सकता है। ये सारी डिटेल्स, ये फॉर्म फिल हो रहा है। मैं आप सभी को इतनी बड़ी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ कि आपको प्रोसेस समझ आए। कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं पर यहाँ पर उन्हें कभी ये होता है कि मेल नहीं आ पाया है या फिर कोई और चीज हो गई हो, ठीक है, ये जब तक होता है उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। पिन आईडी क्रेडेंशियल्स को ध्यान रखना है, ये एग्जाम के टाइम काम आएंगे। इसी के साथ साथ टेक महिंद्रा की हायरिंग की, अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए कि हाँ इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसका क्या सिलेबस स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट्स करके बताएं और कमेंट में बता दीजिए। और इसी के साथ ओके, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन पिन है। मैं आपको पहले ही बता दूं ये सब आप सभी की डिटेल्स के लिए ही मैं बता रहा हूं, तो यहां पर आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि हमें टेक महिंद्रा का मेल आ चुका है, ये है, प्लीज कीप नोट ऑफ बोथ आईडी एंड दिस विल बी हैव कोटेड इन अवर करेस्पॉन्डेंस ऑन दिस सब्जेक्ट एज वेल एज द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर द टेस्ट। योर स्क्रीनिंग शेड्यूल इंक्लूडिंग वेन्यू डेट एंड टाइम ऑफ योर will be initiated to you in a due course of. You are advised to keep checking your mail, okay, including junk box regularly, and you don't miss out any important communication from us. Best regards, Tech Mahindra Campus Recruitment Team. ये हो गया हमारा registration, इसे हम close कर देते हैं। I hope video अच्छी लगी होगी, like कर दीजिएगा। आज मैं एक video post करूँगा जिसमें बहुत सारी off campus opportunities के बारे में हम discuss करेंगे। Video को जरूर देखिएगा। Thanks for watching the video.